मुजफ्फरनगर में यूक्रेन से मिशन गंगा के तहत जीवन सुरक्षा हेतु यूक्रेन से लाए गए होनहार बच्चों के भविष्य के संदर्भ में छात्रों के परिजनों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। डीएम कार्यालय पहुंचे अभिभावकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। अभिभावकों का कहना है कि यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे उनके बच्चों का भविष्य अब खतरे में नजर आने लगा है, क्योंकि यूक्रेन में अभी तक युद्ध बंद होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसी अवस्था में शिक्षण के 1, 2, 3, 4 वर्ष पूरे कर चुके विद्यार्थियों के समक्ष अपने भविष्य की चिंता होना संभावित है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि देश में ही उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कराई जाए। डीएम ऑफिस इसलिए आए हैं, हमारे बच्चे यूक्रेन पढ़ने गए थे MBBS करने के लिए, वहाँ से जंग की वजह से वो बच्चे वापसी बुला लिए गए, भारत सरकार ने बुला दिए। हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि वो आगे जो MBBS का कोर्स है, जो 1 साल 2 साल रह रहे हैं, वो यहीं करा दें, चूँकि वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ पे जंग है, इसलिए हम अपने बच्चों को वहाँ भेजना नहीं चाहते। आगे पता नहीं कब जाएंगे, बहुत स्थिति ख़राब है। तो मांग क्या करते हैं आप? मांग ये करते हैं भारत सरकार हमारे बच्चों को यहीं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दे।